NSUI के छात्रों ने 400 मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के NSUI छात्रों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर 400 मांगों को लेकर ADM सिटी विशाल दवे को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता आशीष भारद्वाज का कहना था, कोरोना महामारी के चलते शिक्षण संस्थान बंद पड़ी हुई है, ऐसे में सरकार को ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर विद्यार्थियों को अध्ययन कराना चाहिए। साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर विद्यार्थियों से ली जा रही मोटी फीस वसूली पर रोक लगानी चाहिए और हो सके वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों की फीस पूर्ण रूप से माफ कर देना चाहिए। इसका कहना था कि कई छात्र दूरदराज इलाकों के हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहकर यहां किराए का कमरा लेकर अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के कमरों का किराया माफ किया जाना चाहिए। साथ ही महामारी को देखते हुए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे कि परीक्षा के दौरान फैलने वाले संक्रमण से बचाव हो सके। किसकी तरफ से ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं और किसको सौंपा? हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से आए हैं, NSUI संगठन की तरफ से, और आज हमने विशाल दवे जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर उन्हें ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के अंतर्गत हमारी 4 मांगे थी, मुख्य मांग। पहली मांग ये थी कि अभी प्राइवेट स्कूल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जब प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करा रहा है तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो अध्यापक हैं अभी वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी ऑनलाइन लेक्चर्स अपने अवेलेबल कराने चाहिए ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। दूसरी मांग यह है कि प्राइवेट स्कूल के लिए सरकार ऑर्डर निकाल चुकी है कि आप उनसे उनकी फ़ीस नहीं ले सकते हो। उसके बाद भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके द्वारा उनके अभिभावकों के फ़ोन पर मैसेज किया जा रहा है कि आप अपनी फ़ीस जमा कराएं। तीसरी मांग ये है कि बहुत से बच्चे हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो किराए पे रहते हैं, तो उनसे जो लैंडलॉर्डर हैं वो सारे उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, तो हमारी मांग है उनसे किराया ना लिया जाए। और लास्ट मांग ये है कि जैसे कि आप अभी अखबार में और सब जगह पढ़ते हैं कि यूनिवर्सिटी रोज़ अपना एक डिसीज़न देती है कि परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी संक्रमण की जो स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी तरह सही भी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप परीक्षा कराते हो तो विद्यार्थी अलग अलग जोन से आएगा, रेड जोन से भी आएगा, कंटेनमेंट जोन से भी आएगा, तो यदि एक संक्रमित बच्चे की वजह से सारे विद्यार्थी संक्रमित होते हैं तो उसकी जवाबदेरी किसकी होगी? आज हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर विशाल दवे जी सर से मिले हैं और उन्हें हमने ज्ञापन दिया है। क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप उचित मांग लेके आए हैं, हम इसके लिए जरूर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? आशीष भारद्वाज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, छात्र प्रतिनिधि।